सो हेलो गाइस, मैं हूं अदनान रहमान और आप जानते हो मुझे ओए माफिया के नेम से। तो गाइस आज हम आ चुके थे विशाल। आने का कोई प्लान था नहीं, तो अचानक से हम आए क्योंकि हम कहीं गए थे तो रास्ते में पड़ा, तो मम्मी ने बोला कि विशाल चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो हम अंदर जाते हैं, साथ में लिटिल माफिया भी होता है यहाँ पर। मम्मी स्वेटर वगैरह देखती हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं था, कोई ब्रांड्स नहीं थे, मतलब नॉन ब्रांड था। तो मम्मी ने बस देखा, लिया बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम थोड़ा सा घूमते हैं, फिरते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इधर उधर, और लिटिल माफिया जो है वो अपने चक्कर में पड़ा होता है, मतलब वो जो भी देखता है वो उसको चाहिए होता है, तो जैसे कि हर बच्चे करते हैं। लेकिन कोई ब्रांड्स नहीं था, लोकल सा था, घटिया क्वालिटी का, तो इस वजह से हमने कुछ लिया नहीं, बस हम एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, जैकेट्स वगैरह कुछ ठीक ठाक दिख रही थी देखने में अब, लेकिन कोई ब्रांड्स नहीं थी। मैं वापस से यही बताना चाहूँगा आप लोगों को, तो ये लड़कियों की जैकेट्स थी तो मम्मी देख रही थी, लेकिन लेना तो था नहीं क्योंकि घर में जो है लड़की तो है नहीं। तो फिलहाल मैं इधर एक्सप्लोर करता है तो हूँ लेडीज सेक्शन में मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी इधर थी तो मम्मी को छोड़ के जाना नहीं था। और देखो लिटिल माफिया गुस्सा होकर जाने लग गया था, उसको वो जो देख ले उसको वो चाहिए होता है, और ठीक ठाक था जो, मतलब ले भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ब्रांड्स वगैरह से मतलब नहीं है तो वो ले सकता है बिल्कुल भी आके। यहाँ पे जीन्स भी थी और लेडीज़ का मतलब कंप्लीट था बिल्कुल। फिर उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद हम सबसे पहले जाते हैं किचन अप्लायंसेस देखने के लिए। किचन अप्लायंसेस वो ठीक ठाक थे, ब्रांड्स के थे, उषा वगैरह ये सारे जो ब्रांड्स होते हैं किचन के, तो अच्छे तो वो सब रखे थे, लेकिन बहुत कम थे, ज़्यादा आपको वैरायटी नहीं दिखने को मिलेगी, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो लेना नहीं था तो हम एक्सप्लोर बस कर रहे थे। लेकिन मेरे मूड में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेंगे, तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्या लूँगा, लेकिन वो आगे चल के आप लोगों को पता लगेगा क्या लिया क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखो आप। फिर यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह रखे थे, ये मतलब नॉर्मल दिनों में ओढ़ने के लिए सही रहता है, जब जैसे सिर्फ एसी वगैरह चले, रात में ठंड लगे तो ठीक है। ओल्ड थोड़ा सा पतला था लेकिन ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मतलब देखो ये टॉवल वगैरह थी, और ये देखो पंचिंग बैग लेके वो खेल रहा है यहाँ पे। ये सारे घर के जो सामान थे ना वो यहाँ पे मिल रहे थे, तो वो हमने देखा ठीक ठाक थे, अच्छे थे, मतलब कम रेट था, रेट प्राइस भी कम ही था और क्वालिटी भी ठीक ठाक थी, यही बोलूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, ठीक था, काम चलाऊ था, काम चला सकते थे लेने के लिए। और कुछ इसमें अच्छे भी निकल जाते हैं, जो लोग शॉपिंग करते हैं तो कुछ अच्छे भी निकल जाते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी थी तो यहाँ पे लिटिल माफिया ने कुछ देखा, शायद उसने कुछ लिया भी था या नहीं लिया था, मेरे को सही से पता नहीं है, लेकिन ठीक ठाक था। हमने मतलब देखा और स्टेशनरी काफ़ी भरी हुई थी तो अच्छा लगा ये देख के। कलेक्शन था, ये टॉयज था, तो टॉयज में उतना कुछ था नहीं खास, लेकिन फिर भी टॉयज के नाम पे वो लोग भरे होते हैं, तो ये था बच्चों का। बच्चे मतलब देख के परेशान करते हैं अपने मम्मी पापा को कि दिलाओ 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 घर वालों को, तो उन लोगों ने जानबूझकर टॉयज जो है वो ज़्यादा रखते, काफ़ी चलाके हैं ये लोग। फिर हम ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, और उसके बाद मैं मम्मी से बोलता हूँ कि कब तक ऐसे ही घूमेंगे, हम चलते हैं इधर कहीं पे, मतलब नीचे या फिर जहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको कुछ दिख जाता है, और यहाँ पे ये मेरे को कुशन टाइप जो था वो काफ़ी सही लगा था। यहाँ पे टेडीज भी हैं और कुशन मेरे को काफ़ी सही लगा, और यहाँ पे डॉल्स वगैरह, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी जो डॉल्स टेडी और कुशन था। और यहाँ पे देखो खाने पीने की चीज़ थी, स्नैक्स थे, तो यहाँ पे ये ऑफ़र चलता है, ये सारी चीज़ आप ज़रूर ले सकते हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ ब्रांड से होते हैं, आपको अलग अलग ब्रांड के दिख जाएंगे, और इस पर ऑफ़र भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ काफ़ी सही लगी, और इधर बिस्किट्स वगैरह भी रखे थे। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, कोल्ड ड्रिंक अगर जो पीता है उनके लिए भी काफ़ी सही है, उन पर ऑफ़र चलते रहते हैं, बाई वन गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री, ऐसे ऐसे चलता है, तो काफ़ी सही रहता है। जिसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए ले लो। यहाँ पे देखो मैगी की भरमार थी, मैगी और पास्ता वगैरह वगैरह, मैगी भी थी और दूसरे ब्रांड्स के भी थे, तो ये सारी चीज़ें इस पे भी ऑफ़र चलते हैं। आप लोगों को चाहिए तो विशाल आप लोग विजिट कर सकते हो, मऊ से हो तो और भी सारी जगह पे जहाँ पे है तो विजिट कर सकते हो आप लोग, सही रहता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानता है मैं उसको बताना चाहता हूँ। और ये देखो होम स्प्रे वगैरह रखे थे यहाँ पे, और मैंने ट्राई किया तो मेरे को कुछ उतना खास पसंद नहीं आया, तो मैंने नहीं लिया, नहीं तो मैंने सोचा था कि रूम स्प्रे वगैरह ले लूँगा। यहाँ पे शैम्पू वगैरह हैं, देखो
स्किन केयर के सामान हैं और यहाँ पे टूथपेस्ट वगैरह भी रखे हैं। अभी नए नए माल खुल रहे थे तो मैं भी उसमें ही देख रहा था कि क्या नया निकल जाए, लेकिन कुछ उतना कुछ नया था नहीं तो मैंने लिया नहीं। और यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या देखने लग जाती है तो मैंने मना करता हूँ कि नहीं यार मत लो, ये लोकल कोई सा है तो मम्मी नहीं लेती है। उसके बाद हम देखते हैं, वैसे देखो कुछ इसमें सामान ख़राब भी हैं कुछ अच्छे भी हैं, जो कि मतलब ठीक है कुछ इसमें से लिया भी जा सकता है कुछ इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। वापस से हम नीचे आते हैं और यहाँ पे कुर्ते वगैरह ठीक ठाक दिखी मेरे को, अच्छी लगी कुछ उसमें से, और मम्मी भी देखती है लेकिन लेती कुछ भी नहीं है, मतलब लेना नहीं था ऐसे ही देख रही थी बस। और यहाँ पे रेट भी आप लोग देख सकते हो कितना कम है, अब उस रेट में आपको क्या मिल जाएगा मैं तो यही बोलूँगा। और मतलब काम चलाना है तो बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दो बार पहनो ख़त्म खेल इतने के लिए एकदम सही। और यहाँ पे लोकल से चप्पल रखे थे जो कि घर में पहनने के लिए ठंड के दिनों में ठीक हैं, ले सकते हैं, ये मेरे को ठीक लगा। बाहर पहनने वाले कोई से भी नहीं थे, बाहर नहीं पहन सकते क्योंकि कोई अच्छे ब्रांड्स ये नहीं थे और उतना अच्छा था भी नहीं, इस वजह से फिर मम्मी से मैं ज़्यादा देर हो जाती बोलता हूँ घर चलते हैं, तो फिर हम विशाल से बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी निकालता हूँ एंड टॉप, उसके बाद हम घर चल जाते हैं। बाय, थैंक यू।